नथिंग फोन वन स्मार्टफोन के एक्सक्लूसिव फर्स्ट लुक हमें देखने को मिल गया है MKBHD के लेटेस्ट वीडियो पे, जहां से हम इस स्मार्टफोन के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल चुके हैं। इस स्मार्टफोन का पहली बार हमें फ्रंट व्यू देखने को मिला है जो काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। इसी के साथ इस स्मार्टफोन में जो हमें पीछे की तरफ LED लाइट्स देखने को मिले थे, इस लाइट्स के रिगार्डिंग भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम राजीव है, आप सभी को मेरा चैनल टेक बाय राजीव पे स्वागत है। मैं इस चैनल पे टेक रिलेटेड वीडियोस लेके आता हूँ। आज हम इस वाले वीडियो पे नथिंग फोन वन स्मार्टफोन के जितने भी हमें ऑफिशियल न्यूज एंड जितने भी हमें ऑफिशियल इमेजेस देखने को मिल चुके, सो उन्हीं को लेकर बात करेंगे। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। सो नथिंग फोन वन स्मार्टफोन का ऑफिशियल फ्रंट व्यू हमें इस बार देखने को मिल गया है, जहां पर हमें इस स्मार्टफोन के फ्रंट व्यू को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन थी कि इस स्मार्टफोन के नीचे हमें कोई चिन्ह देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, एंड इस स्मार्टफोन के फ्रंट में हमें कहां पर सेल्फी कैम देखने को मिलेगा। जो हमें पहले बहुत सारे रेंडर देखने को मिल गए थे, वहां पर हमें इस स्मार्टफोन का सेल्फी कैम सेंटर पंचोल में देखने को मिल रही थी, लेकिन एक्चुअली सेल्फी कैम हमें लेफ्ट कॉर्नर पे देखने को मिला है, जो ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में कोई चिन्ह नहीं होगा, ये अब फाइनली कॉन्फर्म हो चुका है। पहले बोला गया था कि इसमें चिन्ह नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक डाउट था ऐसा हो सकता है कि नहीं, लेकिन सच में हमें ऐसा ही देखने को मिला। इस स्मार्टफोन में कोई भी चिन्ह नहीं देखने को मिल रहा है, सिर्फ चारों तरफ हमें बेजल सी देखने को मिल रहा है, जो ओवरऑल इस स्मार्टफोन के व्यूइंग एंगल को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। एंड इसी के साथ ही इस स्मार्टफोन के स्क्रीन टू बॉडी रेशियो हमें बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले हमें बहुत ही ज्यादा प्यारा देखने को मिला है, एंड इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट फ्लैट डिस्प्ले में से एक है, जो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा बात हो जाता है। एंड नथिंग बेसिकली स्मार्टफोन मार्केट में स्मार्टफोन के डिजाइन को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्सर्न थे, तो इसीलिए वो लोग इस स्मार्टफोन के डिजाइन को एक नया अप्रोच के साथ लेकर आए थे, एक नया लुक के साथ, जो हमें एक ट्रांसपेरेंट बैक ग्लास के साथ देखने को मिलती है इस स्मार्टफोन में। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड आपको इस स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में क्या थॉट है कमेंट सेक्शन पे जरूर से शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ इस स्मार्टफोन के ट्रांसपेरेंट बैक के साइड हमें एक LED लाइट भी देखने को मिल जाती है, एंड ये LED लाइट्स बेसिकली हमें अल्टीमेट नोटिफिकेशन LED लाइट्स देखने को मिलता है, जिसको नथिंग कह रहा है ग्लिंट लाइट। एंड ये LED लाइट्स हमें नोटिफिकेशन के तौर पे ग्लो करते हुए देखने को मिल रही है, जहां पर कोई कॉल आएगा अगर, कोई SMS आएगा अगर, या फिर कैमरा यूसेज के टाइम पे भी ये हमें फील्ड लाइट की सबसे भी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। इसी के साथ ही टाइप सी से चार्जिंग के टाइम पे भी जो बॉटम साइड पे हमें एक स्मॉल पार्ट देखने को मिलता है LED लाइट का, वो हमें बैटरी के इंडिकेटर के हिसाब से भी देखने को मिल जाती है कि कितना परसेंट चार्ज हुआ है, फुल चार्ज हुआ कि नहीं। सो ये भी एक बहुत ज्यादा इंसेंट बात बन जाती है। स्मार्टफोन के पीछे भी अब हमें चार्जिंग इंडिकेटर देखने को मिल रहा है, एंड इसी के साथ ही वायरलेस चार्जिंग के टाइम पे भी ये हमें इंडिकेट करते हुए देखने को मिल जाती है। ओवरऑल इस LED लाइट्स की मदद से हमें काफी सारे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बहुत सारे यूसेज भी देखने को मिल रही है। एंड बिल्ट इन इस स्मार्टफोन में हमें 10 रिंगटोन देखने को मिलती है, जिसके म्यूजिक के पैटर्न की तरह इस स्मार्टफोन के जो LED लाइट्स है वो हमें ग्लो करते हुए देखने को मिलती है, जो और भी एक इंसेंट बात हो जाती है। एंड वायरलेस रिवर्स चार्जिंग के टाइम पे भी ये LED लाइट से हमें ग्लो अप करते हुए देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है, एंड ये फीचर हमें पहले किसी भी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिला है। सो एक हमें यूनिक फीचर देखने को मिल रहा है इस स्मार्टफोन की, एंड इस स्मार्टफोन का सबसे बड़ा फैक्टर भी है इस स्मार्टफोन का डिजाइन, जो ओवरऑल एक अब तक का बेस्ट डिजाइन में से हमें एक देखने को मिल रहा है। ट्रांसपेरेंट बैक के साथ ऐसा LED लाइट्स जो नोटिफिकेशन इंडिकेटर के हिसाब से हमें देखने को मिल रही है, एंड इसी के साथ ही इसमें हमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल रहा है। एंड इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले भी हमें वन ऑफ द बेस्ट फ्लैट डिस्प्ले में से एक देखने को मिलती है। सो ओवरऑल अभी तक तो इस स्मार्टफोन को लेकर बहुत सारे पॉजिटिवनेस है, अभी तक कोई भी नेगेटिव चीज हमें देखने को नहीं मिली है। एक चीज है, जो हमें 3.5mm हेडफोन जैक मिलता था वो हमें इस स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलती, एंड पीछे की तरफ हमें राइट कॉर्नर पे एक बहुत ही ज्यादा छोटा रेड लाइट देखने को मिलता है, जो इंडिकेट करता है वीडियो रिकॉर्डिंग को। सो अभी तक फर्स्ट इंप्रेशन इस स्मार्टफोन का डिजाइन एंड इस स्मार्टफोन के ग्लिंट लाइट्स के फीचर्स हमें काफी ज्यादा यूजफुल लग रहे हैं, एंड डिस्प्ले भी हमें ओवरऑल काफी ज्यादा प्यारा देखने को मिल गया है। एंड अब आगे चल के देखते हैं स्मार्टफोन के रिगार्डिंग हमें और क्या ऑफिशियल न्यूज देखने को मिलती है, एंड इस स्मार्टफोन के फाइनल के स्पेसिफिकेशन होती है एक बहुत ही ज्यादा मेन फैक्टर बन जाता है। अब देखते हैं 12 जुलाई इस स्मार्टफोन के बाकी के फीचर्स, बाकी के स्पेसिफिकेशन, एंड इस स्मार्टफोन का क्या प्राइस रहता है। तो ये वाला वीडियो अपनी खत्म होता है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो, और अगर आप इस वाले चैनल पर नया कैसी टेक रिलेटेड वीडियोस देखने अच्छा लगता है तो जरूर इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।